हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूं संजीव और आप देख रहे हो हमारा चैनल लर्निंग फ्राइडे। दोस्तों क्या आपको पता है कि आपने अपने आधार कार्ड को कब कब और कहां कहां यूज़ किया है? दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आप अपने बैंक की स्टेटमेंट चेक करते हो, अपने पासबुक में एंट्री करवाते हो, देखते हो कि आपने कब कब पैसा निकाला है, कब कब डिपॉजिट किया है, कब कब आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, उसका पूरा डिटेल आपका निकल के आ जाता है। उसी तरह आपका आधार का भी डिटेल निकल के आ जाता है कि कब कब आपने अपने आधार को यूज़ करके कोई सिम लिया था या फिर आपने किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए अपना आधार यूज़ किया था। सपोज करो आपने अपना इनकम टैक्स भरा और उसके बाद अपना इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के लिए आपने अपना आधार यूज़ किया या फिर आपने कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए अपना आधार को यूज़ किया, तो उसका एक ट्रांजेक्शन की एक एंट्री हो जाती है। तो दोस्तों आधार ऑथेंटिटी ने ये पूरा कंट्रोल आपको दिया है कि आप चेक कर सकते हो कि आपने कब कब अपना आधार यूज़ किया है। ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपकी बैंक स्टेटमेंट निकलती है उसी तरह से ये भी निकलती है। इसको भी आप महीने में एक बार निकाल के देखते रहिए, उसकी स्टेटमेंट निकाल सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों हमारे ये वीडियो पूरे एंड तक देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को आप तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल में बिल्कुल नए आए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको आधार की जो वेबसाइट है उसको खोल लेना है। दोस्तों उसकी जो वेबसाइट है वो है uidai.gov.in। दोस्तों जब आप उसकी वेबसाइट को खोल लोगे तो इनकी जो होम पेज है वहाँ पर आपको आधार सर्विसेज का एक लिंक मिलेगा और वहाँ पर जो सबसे लास्ट में एक लिंक है जिसका नाम है आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, उसको आपको खोल लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे दो टेक्स्ट बॉक्स हैं। जो सबसे पहला वाला है वो है यूआईडी के लिए। यूआईडी मतलब आपका आधार नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डाल देना है। और जो सेकंड कॉलम है वो है सिक्योरिटी कोड का। जो राइट हैंड साइड में कोड लिखा हुआ है सिक्योरिटी, वो आपको डालना है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 8850। देन उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी करना है। तो जो भी आपका आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर वो ओटीपी आ जाएगा। फिर क्या करना है, आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर सबसे लास्ट में वही ओटीपी आपको डालना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ऑथेंटिकेशन टाइप चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन सा ऑथेंटिकेशन टाइप की हिस्ट्री देखनी है, यानी कि ट्रांजेक्शन देखने हैं। तो यहाँ पर हम ऑल कर देते हैं। वैसे तो यहाँ पर दे रखा है ओटीपी बायोमेट्रिक वगैरह, तो हम ऑल कर देते हैं। फिर आपको यहाँ पर रेंज चूज़ करनी है कि आपको कब से कब तक का रिकॉर्ड देखना है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं फिलहाल, हम यहाँ पर अगस्त चूज़ कर लेते हैं, अगस्त से लेकर दिसंबर तक। 1 अगस्त से लेकर 1 दिसंबर तक देख लेते हैं। देन उसके बाद आपको कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपको देखने हैं, तो हम देख लेते हैं 10 या फिर 50 कर देते हैं यहाँ पर। देन उसके बाद आप यहाँ पर नीचे पे ओटीपी डाल दीजिए जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया है। तो वो ओटीपी हमने डाल दिया, देन सबमिट। तो दोस्तों आपके सामने वो रिकॉर्ड यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। तो दोस्तों ये सब वो रिकॉर्ड है। आप ऊपर में देखोगे तो यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में बताया है कि ये चीज़ किसके लिए है। देन आप यहाँ पर नीचे भी देखोगे तो जब जब मैंने कोई सिम लिया होगा तो बायोमेट्रिक्स दिखा रहा है यहाँ पर, और जब जब मैंने कोई सर्विस गवर्नमेंट सर्विस यूज़ की होगी, जब मैंने आधार नंबर डाला होगा वहाँ पर 1 टाइम पासवर्ड आ रहा होगा। और यहाँ पर आप देखोगे रिस्पॉन्स कोड ESCSS, अगर कभी एरर आई होगी तो एरर कोड भी शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने आधार की पूरी ट्रांजेक्शन देख सकते हो, जैसे एक बैंक की जो ट्रांजेक्शन्स होती है जो आप अपने पासबुक में एंट्री करवाते हो, ठीक उसी तरह से आप अपनी आधार की भी पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हो कि कब कब आपने किस पर्पज़ के लिए आधार यूज़ किया है। तो यहाँ पर डेट और टाइम दोनों आ रहा है, किस डेट को किया है, क्या टाइम था, और उसके जो रिस्पॉन्स कोड है वो भी दिखा रखा है यहाँ पर। तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो जब आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी, अदरवाइज आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों कितना आसान है, गवर्नमेंट ने इसकी अथॉरिटी आपको दे रखी है कि आप इसे देख सकते हो। तो दोस्तों ये एक सिंपल तरीका था अपने आधार का स्टेटमेंट कहो या फिर आपकी हिस्ट्री है उसको निकालने का। इसके थ्रू आप देख सकते हो कब कब आपने अपने आधार को यूज़ किया है। दूसरा हमने जो वीडियो बनाया था कि अपने आधार को सिक्योर करने के लिए कि कैसे आपको अपने आधार को लॉक और अनलॉक करना चाहिए ताकि कोई इसका मिसयूज़ ना करे, उसका एक सिंपल सा स्टेप है ऑनलाइन और ऐप के थ्रू, वो आप कर सकते हो। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया था। उसको करने के बाद अगर आपसे कोई फिंगरप्रिंट लेता है तो आपका फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं करेगा आधार के डाटाबेस से, क्योंकि आपने अपना आधार वेरिफिकेशन को लॉक कर रखा है, यानी कि बायोमेट्रिक सेटिंग को लॉक कर रखा है।
तो आधार ने सब कंट्रोल आपको दे रखा है। जब भी आपको लगता है कि मुझे आज सिम लेना है तो मैं उसको अनलॉक कर लेता हूँ, तो उसके लिए एक हमने अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आप देख लीजिए, इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, प्लस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के साथ आता रहता हूँ।